नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। कुर्सीनामा के आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के मेन फ्रंट को लेकर, और उसको लेकर जो है नीतीश कुमार की कवायद क्या चल रही है, इन तमाम विषयों पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रायोजित किया जा रहा है, खास करके महागठबंधन की तरफ से, ऐसे में नीतीश कुमार का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से सीधे तौर पर लड़ेंगे और वो होगा मेन फ्रंट। थर्ड फ्रंट की बात वो नहीं करते हैं। थर्ड फ्रंट के तहत उसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस अलग होगी, बाकी दल जो है वो अलग होगी और बीजेपी जो है वो अपनी एक अलग गठबंधन के साथ होगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार का मानना है कि हम जब मोदी से लड़ेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री का जब चुनाव होगा, तो उसमें जो विपक्ष का पीएम कैंडिडेट होगा वो एक व्यक्ति होगा और वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से, यानी कि नरेंद्र मोदी से सीधी उसकी भिड़ंत होगी। तो नीतीश कुमार के इस मेन फ्रंट में जो है अब एक दरार बनता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी ने अपना एक अलग रुख अख्तियार किया है। ऐसे में हम सिमरनजीत सिंह से समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का यह जो मेन फ्रंट होगा वो कैसा होगा और किस तरह का होगा। बताएं, मेन फ्रंट को लेकर नीतीश कुमार के जो बयान सामने आए थे, उसके बाद ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया, उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार एक तपे तपाए राजनेता हैं और नीतीश कुमार बहुत पुराने समाजवादी नेता इस देश के रहे हैं। नीतीश कुमार के पास लंबा सियासी अनुभव है। नीतीश कुमार भी थर्ड फ्रंट की राजनीति करके देख चुके हैं। नीतीश कुमार मेन फ्रंट में भी रहे हैं, नीतीश कुमार ऑपोजिशन में भी रहे हैं, नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे का भी अंग रहकर देख चुके हैं। दरअसल तीसरा मोर्चा जैसा कोई चीज़ है नहीं इस देश में, और लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जिनको लड़ना बीजेपी से चाहिए, हाँ, लेकिन लड़ते वो कांग्रेस सही बात। और वैसे नेता ही जो हैं तीसरे मोर्चे का शिगुफा जो है लगातार छोड़ते रहते हैं। और तीसरा मोर्चा जैसा कुछ है भी नहीं। हम कुछ नेताओं के नाम बता दें। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तेलंगाना चले जाएं, के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी टीआरएस जो आजकल बीआरएस हो गई है जी। तो ये तीन नेता खास तौर पर हैं जो लगातार जो है तीसरे मोर्चे की कवायद करते रहते हैं। और दो नाम तो हम भूल ही गए, अखिलेश यादव, सपा प्रमुख, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी, सॉरी मायावती, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया। ये लोग भी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते और इनको बीजेपी से भी लड़ना है। तो ऐसे में थर्ड फ्रंट की बात ये लोग करते रहते हैं। नीतीश कुमार के मेन फ्रंट की बात में दम है। मेन फ्रंट ही चाहे जैसे भी हो, टक्कर ले सकता है, टक्कर दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार इस बात को कह चुके हैं। तेजस्वी यादव भी बार बार इस बात को कह चुके हैं, लालू प्रसाद यादव भी इस बात को कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस आज की तारीख में चाहे जितनी भी कमजोर क्यों ना हो जाए, बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाना आज भी संभव नहीं है। ऐसे में, और अभी अभी दो तीन दिन पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, डीएमके के नेता हैं और बहुत मजबूत पार्टी है तमिलनाडु में, सरकार उनकी है, तमिलनाडु एक बड़ा राज्य भी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि तीसरे मोर्चे की बात ही बेमानी है। स्टालिन ने कहा तीसरे मोर्चे की बात ही बेमानी है, थर्ड फ्रंट को लेकर कोई विचार नहीं होना चाहिए, एक फ्रंट होना चाहिए, सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर आना चाहिए और यही विपक्षी दलों का जो मोर्चा होगा भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे सकता है। अब जिस तरह से नीतीश कुमार मेन फ्रंट की बात कहते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है सीधे तौर पर अगर हम बीजेपी से लड़ते हैं तो बीजेपी को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, नीतीश कुमार का वो बयान आपको भी याद होगा कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर हमारे साथ आती है तो हम उनको 100 के नीचे ला देंगे, इस बात में कितना दम है? नहीं, बिल्कुल इस बात में दम है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और आज भी देश में 250 से ज़्यादा ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जी जहाँ कांग्रेस सीधे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देती है अकेले, बाकी ये कुवत किसी में नहीं है। हाँ, ये सही बात है। कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है कांग्रेस के अलावा जो बीजेपी को 100 सीटों पर भी टक्कर दे सके। ये क्षमता सिर्फ कांग्रेस के पास है जो 250 सीटों पर सीधे बीजेपी से लड़ाई लड़ सकती है। ऐसे में बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता की कल्पना करने की बात ही बेमानी है, और बिना कांग्रेस के आप विपक्षी एकता बना लें, तीसरा मोर्चा बना लें, उससे बीजेपी को ही फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान होगा, बीजेपी को इससे कोई नुकसान होने नहीं जा रहा।
तो क्या हम इसको देखें कि कांग्रेस को आगे बढ़ के आना चाहिए इस पूरे मसले? नहीं, नहीं, कांग्रेस तो आगे बढ़ी हुई है। अब आप देखिए, अब कांग्रेस जो है हथियार तो नहीं डाल सकती। कोई भी राजनीतिक दल बना हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, वो हथियार नहीं डाल सकता। आप हमारे साथ जब गठबंधन नहीं करेंगे तो हम तो अकेले चुनाव मैदान में जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्थिति ये हुई कि पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हुआ अभी, जब तीन राज्यों के चुनाव नतीजे आ रहे थे, तो वहां पर मुर्शिदाबाद जिले की एक सीट है जहां पर चुनाव हुआ जी। और उस सीट पर जब चुनाव हुआ तो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए। वो सीट तृणमूल कांग्रेस की थी, कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस ने जो है वहां पर एक साथ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के उम्मीदवारों को पराजित कर दिया। कांग्रेस ने अपना पश्चिम बंगाल में खाता भी खोला और ये बड़ी बात थी। पश्चिम बंगाल का जो उपचुनाव हुआ उसने वहां की राजनीति में उलटफेर दिखा दिया, और जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी दोनों को वहां कांग्रेस ने चित किया, उसने तृणमूल कांग्रेस खास करके ममता बनर्जी जो है वो बेहद बौखलाहट में आ गई। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है। हम आपको बता दें कि सागर दीघी क्षेत्र है वहां पर, सागर दीघी क्षेत्र वहां पर है, वहीं पर उपचुनाव हुआ था और वहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, राज्य मंत्री रह चुके थे ममता बनर्जी की सरकार में, सुब्रत साह के निधन की वजह से वहां पर उपचुनाव हुआ। और जब उपचुनाव हुआ तो वहां पर कांग्रेस 23,000 वोट से जीत गई। हाँ। और हम आपको बता दें कि इसके पहले जब चुनाव हुआ था तो तृणमूल कांग्रेस वहां पर 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीती थी, लेकिन जब चुनाव हुए कांग्रेस ने मेहनत की और जब जीत गई तो ममता बनर्जी हमलावर हो गई कांग्रेस पर अचानक से, और वो कहने लगी कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस। उन्होंने तृणमूल को हराने के लिए बीजेपी से अंदर खाने हाथ मिला लिया है। किसे? कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि सीपीएम बीजेपी और कांग्रेस ने अंदर खाने हाथ मिला लिया है, ऐसे में वो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वो जनता के साथ गठबंधन करेंगी, लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगी, उन्होंने ऐलान कर दिया। तो इस तरीके का जो शॉर्ट टेंपर जो कैरेक्टर है ममता बनर्जी का, वो तुरंत में आवेश में आ जाती हैं। तो अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है, बीजेपी तो नहीं जीती ना, ममता बनर्जी जो है उनकी दुश्मनी, उनका उनका राजनीतिक विरोध तो बीजेपी से है, बीजेपी तो नहीं जीती, कांग्रेस जीत गई, तो उनको संतोष कम से कम व्यक्त करना चाहिए। लेकिन वो हमलावर हो गई, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया, बीजेपी ने अंदर खाने समर्थन कर दिया और कांग्रेस चुनाव जीत गई। तो ऐसे नेता जो हैं वो मेन फ्रंट बनाने को लेकर के वो सबसे बड़े बाधक हैं। अच्छा। और इस बात को नीतीश कुमार भी समझते होंगे। तो नीतीश कुमार, संभव है कि कांग्रेस से ममता बनर्जी की बात ना बने, तो नीतीश कुमार अपने स्तर से बात कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के रिश्ते आपस में काफी अच्छे बताए जाते हैं। तो बिहार में तो कम से कम कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ है, यहाँ तो दोनों के बीच में कम से कम सरकार साथ में चल रही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार और कांग्रेस साथ है, महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं और ये 1900 विधायक जो हैं नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं। कांग्रेस के जो का जो प्रदेश नेतृत्व है वो भी नीतीश कुमार को पसंद करता है, जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भी नीतीश कुमार को पसंद करता है। दरअसल नीतीश कुमार ने अपना आवरण ऐसा बना रखा है, अपनी छवि ऐसी बना रखी है कि उनको सभी दलों में उनको पसंद करने वाले लोग हैं। चलिए, दो स्टेट हैं बिहार और महाराष्ट्र, इन दोनों को लेकर भी हम बात करेंगे इसी मेन फ्रंट के तहत, क्योंकि बिहार की जो लोकसभा सीटें हैं वो 40 है और महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीटें हैं वो 48 है। दोनों के राजनीतिक स्थितियां कमोबेश एक ही जैसे हैं। ऑपरेशन लोटस जो पिछले दिनों महाराष्ट्र में हुआ, कहा जा रहा था कि वही हालात जो है बिहार में होने वाले थे। वहां शिवसेना को दो भाग में फाड़ दिया गया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने जो है वहाँ एक बड़ी चाल चली है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को इसका फायदा मिलेगा और यहाँ बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी, तो इसमें इन दोनों प्रदेशों में क्या बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होगा? देखिए, बड़ा सवाल आपने कर दिया है, ये सवाल राजनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी इस बात को समझ नहीं रही है। जो दो राज्य सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को देने जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव में, तमाम सर्वे, तमाम आंकड़े, जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, वो एक बिहार और दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अभी एक चुनाव हुआ है कस्बा पेठा विधानसभा सीट पर, भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है ऑपरेशन लोटस के तहत, और महाराष्ट्र वही इलाका है जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है। और कस्बा पेठा सीट पर 1990 के बाद 85 में कांग्रेस जीती थी, उसके बाद कांग्रेस वहां जीती है। महाराष्ट्र में लगातार जो एमवीए है, महाविकास अघाड़ी, वो मजबूत हुआ है।
जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जो कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस है, वो मजबूत हुआ है। और आपको हम बता दें कि जो उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहेब ठाकरे का जबरदस्त क्रेज हुआ करता था महाराष्ट्र में, या आज भी है। राजनीतिक विचारधारा उद्धव ठाकरे भले ही बदल दी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों का मोह है। और हमारे देश की राजनीति की ये खूबी है कि सहानुभूति यहाँ खूब चलती है। और नेता के बच्चे, नेताओं के परिवार के प्रति सहानुभूति का यही कारण है कि उनके बच्चे वहाँ फलीभूत होते हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये सब जिस तरीके से पैदल हुए हैं बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के बाद, तो जो आम मराठी मानुष है, जो मराठा वोटर है, वो इस बात से बेहद खफा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर अचानक से बीजेपी हमलावर हुई है। और इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। बिहार में भी जिस तरीके से नीतीश कुमार और आरजेडी साथ आए हैं, तो इसका भी खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तो बिहार की 40 सीट और महाराष्ट्र की 48 सीट, और तीसरा जो होगा, आप मेरे साथ जुड़िए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पिछली बार 18 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, इस बार स्थिति वैसी नहीं है। बीजेपी की हालत खराब हुई है, बीजेपी कई इलाकों में तीसरे नंबर पर भी पिछड़ती जा रही है। जो लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है बंगाल में, वो एक बार फिर से मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बिल्कुल आपको एक नेपथ्य में साइड में पड़ा हुआ एक अलायंस दिख रहा था, वो ऐसी स्थिति नहीं है। अब स्थिति में बदलाव आया है और वहां पर लड़ाई त्रिकोणीय होगी और बीजेपी को इसका नुकसान हर हाल में उठाना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी, अगर ये हालात जो है, जो आप हालात बता रहे हैं बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को लेकर, ये हालात रहे तो पूर्ण बहुमत की जो सरकार बीजेपी की रही थी वो नीचे आ जाएगी सहयोगियों के साथ सरकार? देखिए, एक बात बता रहे हैं कि बीजेपी आज की तारीख में इतनी राजनीतिक ऊंचाई पर पहुंच गई है कि वहां से अब उनको नीचे ही आना है, अब वो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। और आपको मैं एक बात बताऊं कि अभी जो 2 दिन पहले चुनाव नतीजे आए, जो पूर्वोत्तर के राज्यों, इसको बहुत बड़ा करके दिखाया गया। हाँ, वो पूरा बीजेपी तो उसको पूरा फ्रंट पे खेल रही है। और कभी ऐसा नहीं होता था कि नागालैंड, मणिपुर और ये त्रिपुरा के चुनाव को इतना बढ़त करके दिखाया जाए। दरअसल इसकी कहानी कुछ और है। मीडिया तो जो दिखाना चाहता है वो हमें देखना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिन 3 राज्यों में चुनाव हुए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, तीनों में लोकसभा की 5 सीटें हैं, 5 सीटें हैं। और उसी दिन उपचुनाव हो रहे थे कई राज्यों में। महाराष्ट्र में कांग्रेस जीती, कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 48 है, 48 है। उसी दिन बंगाल में कांग्रेस जीती, बंगाल में कितनी सीटें? 42। ये कितना होता है? 90। और उसी दिन तमिलनाडु में भी कांग्रेस जीतती है, 1,10,000 वोट आ जाता है कांग्रेस उम्मीदवार को, वहां पर कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में 39। तो लगभग जो है 130 के करीब सीटें हैं। तो 130 लोकसभा की सीटें जिन राज्यों में है, वहां के परिणाम को दरकिनार कर दिया जाता है, और मात्र 5 लोकसभा की सीटें जिन राज्यों की हैं, उसको इतना बड़ा करके दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी जीत मिल गई है। हालांकि जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बीजेपी तो चुनाव जीतने की मशीन बन ही चुकी है, लगातार बन रही, लेकिन हर छोटी छोटी जीत को इतना बड़ा करके दिखाना और ऐसा दिखाना कि जैसे कांग्रेस ने कुछ हासिल ही ना किया हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस को भी बड़ी जीत मिली है। 140 लोकसभा जिस राज्य से आती है, वहां कांग्रेस खड़ी होती हुई दिखी और सत्ताधारियों को पछाड़ते हुए जीती है। हमको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए और इन चुनावी जो ये चुनावी आंकड़े जो हैं, इन पर भी गौर करना चाहिए। नीतीश कुमार यही कहना चाहते हैं कि मेन फ्रंट में कांग्रेस की भूमिका होगी, कांग्रेस को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। इसलिए पिछले दिनों जब केसीआर बिहार आए थे, तो हम देखे थे दोनों के बीच में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, दोनों के बीच में वो उस तरह के संबंध नहीं दिख रहे थे कि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ दें, केसीआर चाह रहे थे कि हम बैठे रहें, हम बोले, मगर दोनों के बीच में वो तारतम्यता जो है उस दौरान नहीं दिखी। उसके बाद हम तलखियां भी देखें दोनों के बीच में, नीतीश कुमार को केसीआर ने बुलाया भी नहीं। मैं बताऊं कि केसीआर भी जो है ममता बनर्जी की ही राह पर चल पड़े हैं। तेलंगाना में अभी केसीआर की पार्टी टीआरएस, बीआरएस जो भी अभी हो गया है, उसकी लड़ाई कांग्रेस से रहती है, लेकिन बीजेपी भी वहां मजबूत होने लगी है तेलंगाना में। और केसीआर की इच्छा भी यही है कि हमारी लड़ाई अब कांग्रेस की जगह बीजेपी से हो। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी चाहती है कि हमें कुछ मिले ना मिले, कांग्रेस को भी ना मिले, या तो हमें मिले या फिर बीजेपी को मिल जाए, ठीक यही केसीआर भी चाहते हैं कि तेलंगाना उनके खुद के राज्य में
जो उनको मिले तो मिले, अगर उनको ना मिले तो बीजेपी को मिल जाए, कांग्रेस को ना मिले। तो ये लोग जो कांग्रेस से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अब आप आम आदमी पार्टी को देखिए, वो डायरेक्ट इंदिरा गांधी को ब्लेम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आपने सुना, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कि हमें राहुल गांधी ना समझो कि हम भाग जाएंगे। तो ये कुछ पार्टियां हैं जो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस से लड़ने को इच्छुक दिखाई देती हैं, और ये जब तक रहेंगे थर्ड फ्रंट की कहानी आपको सुनाई देती रहेगी। लेकिन इनका थर्ड फ्रंट बनाने से नुकसान सिर्फ ऑपोजिशन को होना है, बीजेपी को इनसे फायदा ही फायदा है। तो नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस जो है वो जितनी जल्दी हो सके हमसे बात करे, हम जो है इसमें आगे बढ़े, तो क्यों नहीं कांग्रेस जो है नीतीश कुमार से बात कर। अंदर खाने देखिए, हम आप नहीं समझ सकते, यह हर बात मीडिया के सामने ही नहीं आ सकता, बात तो जरूर हो रही होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साल का वक्त बचा है और तमाम राजनीतिक दल जो हैं आपस में चर्चा कर रहे होंगे, या अगर हम आपको बताएं कि चाहे तल्ख तेवर ममता बनर्जी दिखाती हों या तल्ख तेवर चाहे ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक नवीन पटनायक का रहता हो, तो वो तलखियां कम होंगी, लोग आपस में जब जरूर जुड़ेंगे, बात करेंगे, ऐसा हमें लगता है। इस मुद्दे पर आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, उसमें था कि कांग्रेस ये चाह रही है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़े, जैसे क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी है वो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़े, कांग्रेस जो है वो भी अपने स्तर से चुनाव लड़े। ठीक, जब चुनाव खत्म हो उसके बाद अगर कांग्रेस के पास एक बढ़िया वोट बैंक आता है, एक बढ़िया सीट आता है, तो फिर जो है वो एक डील करने की स्थिति में हो, तो कांग्रेस गलत क्या कह रही है? जिस पार्टी के ज्यादा सांसद जीत के आएंगे प्रधानमंत्री पद पर, या अगर नहीं भी जीत के आते तो विपक्ष के नेता के तौर पर दावेदारी तो उनकी ही होती है ना, जिनके सबसे ज्यादा सांसद जीत। देखिए लोकतंत्र तो नंबर्स का खेल है। मगर अभी जो मेन फ्रंट की बात जो नीतीश की हो रही है उसमें एक चेहरे की बात हो रही है कि चेहरा दिया जाए। लोकतंत्र जो है ना नंबर्स का खेल है सर, चेहरा क्या होता है? मनमोहन सिंह का चेहरा किसी ने देखा था? नहीं देखा था। लेकिन देवेगौड़ा गुजराल का चेहरा किसी ने देखा था? लेकिन मोदी का चेहरा तो है आज, मोदी का चेहरा था। बीजेपी का ये स्टाइल हो सकता है, देखिए कोई नेता किसी भी क्षेत्र में, आप बस समझिए इस चीज को कि सिवाय कांग्रेस के कोई ऐसी दूसरी विपक्षी पार्टी नहीं है जो पूरे देश भर में हो। कांग्रेस कमजोर हो मजबूत हो, लेकिन बीजेपी तो के आसपास वही टिकती है। तो कांग्रेस तो नेशनल पार्टी रही है ना, और कांग्रेस बेहद कमजोर हो चुकी है, लेकिन आज भी देश भर में 16% विधायक हैं उसके, बाकी अगर किसी दूसरे दल के हों तो बताया जाए। तो ऐसे में लेकिन अब बात रह गई कि आप जीतना चाहते हैं, जैसे स्टालिन ने कहा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कि आप यह ना देखें कि हमें किसे जिताना है, हमें यह देखना होगा कि हमें किसे जीतने नहीं देना है। अगर इस सूत्र वाक्य पर तमाम विपक्षी दलों ने गौर कर लिया और उसको लेके आगे बढ़े, तब तो कोई बात ही नहीं होगी, तब तो एक विपक्षी मोर्चा बनेगा जो बीजेपी के सामने खड़ा होगा।